दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति की ओर से 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात रविवार को बड़े ही उत्साहपूर्ण माहौल में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। रविवार को शाम 5 बजे अकोला के आराध्य देव श्री राज राजेश्वर मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 45 झांकियां 21 डिंडियां शामिल हुई। कल अकोला में आयोजित श्री रामनवमी शोभा यात्रा में सहभागी हुई सभी झांकियों का भव्य सत्कार सम्मान पत्र देकर विश्व सनातन संघ द्वारा गांधी रोड पर किया गया, जिसमें प्रमुखता से संघ के प्रदेश अध्यक्ष मयूर मिश्रा, दिव्य हिंदी के प्रबंध संपादक विमल जैन, संजय जी ठाकुर, हर्ष परमार, यश दुबे, राम ठाकुर, सनिश शाह सहित सभी पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। गर्मियों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने मुंबई और शालीमार के बीच साप्ताहिक ट्रेनों की 20 फेरियां चलाने का निर्णय लिया है। मध्य रेलवे के अनुसार ट्रेन क्रमांक 01019 LTT कुर्ला मुंबई से 8:15 बजे रवाना होगी और सुबह 6 बजे अकोला पहुंचेगी। अकोला में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को 4 लेन करने का कार्य किया जा रहा है। लंबे समय से यह काम कछुआ गति से चल रहा है। इसी मार्ग पर न्यू किराना मार्केट के पास 3 जगह सीमेंट सड़क की खुदाई कर मलबा भी सड़क पर फेंका गया है। खुदाई और मलबे के कारण राजमार्ग पर एक तरफा आवागमन हो रहा है। नागरिकों, दुकानदारों के साथ साथ वाहन चालकों को समस्या हो रही है। अकोट फाइल पुलिस थाने की हद में आने वाले अंबेडकर चौक में शनिवार रात 12 बजे DJ बज रहा था। इस दौरान पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड ने वहां मौजूद लोगों को DJ बजाने से रोका तो होमगार्ड से हाथापाई कर लकड़ी से होमगार्ड के हाथ पर हमला कर दिया गया। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आगे की जांच चल रही है। पूर्णा नदी के पात्र में उप जगह पर जायजा लेने के लिए गई अकोला जिला खनिकर्म अधिकारी प्रणिता चाफले के पहुंचने के बाद रेत घाट पर मची अफरातफरी दौरान खनिकर्म अधिकारी ने मौके की गंभीरता को देखते हुए रेत घाट को खाली करने हेतु गार्ड को हवा में फायर करने के आदेश भी दिए, यह जानकारी सामने आ रही है। स्थानीय टोटल वेलनेस क्लब में पावर लिफ्टिंग का ट्रेनिंग लेने वाले अनीश देशमुख और निखिल चौहान ने नागपुर में नेशनल पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस चैंपियनशिप और वर्ल्ड ट्रेल्स प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त की है। अनीश देशमुख ने 74 से 83 भार वर्ग में रजत पदक जीता है, वहीं निखिल चौहान ने भी जूनियर 83 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। अप्रैल महीने में सूर्य आग उगल रहा है। अकोला का तापमान देश में सबसे ज्यादा है और 44 डिग्री तक पहुँच चुका है। इस बीच छुट्टियां लगने और शादियों का सीजन होने से यात्रा करने वालों की भीड़ भी बढ़ गई है। गर्मी में यात्रा की सुविधा की दृष्टि से निजी ट्रैवल्स कंपनियों की AC गाड़ियों में भीड़ बढ़ गई है। शिक्षक तबादलों को लेकर शासन की ओर से जानकारी मांगी गई। यह जानकारी प्राथमिक शिक्षा विभाग की ओर से तबादले के पात्र शिक्षक, रिक्त जगह समेत अन्य चीजें शासन को भेजने के लिए जानकारी इकट्ठा की जा रही है, जिस कारण तबादलों के पात्र शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है। पुराना शहर के हेड कांस्टेबल महेंद्र बहादुरकर को खुफिया जानकारी मिली कि जय हिंद चौक से अलका बैटरी की ओर एक ऑटो में अवैध रूप से देशी शराब ले जाई जा रही है। इस जानकारी के आधार पर ऑटो चालक को रोककर उससे पूछताछ करने पर गुलजारपुरा निवासी रितेश मोहनलाल बर्दिया देशी शराब की बोतलें ऑटो रिक्शा क्रमांक MH30BC1982 में ले जाते हुए पकड़ा गया। दिव्य हिंदी न्यूज। हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।